राम के जन्म से लेकर वनवास तक अयोध्या में राम झांकी बनकर तैयार हो रही है। अयोध्या नगरी सज रही है और शहर का कोना कोना गवाही दे रहा है कि आगामी 22 जनवरी 2024 को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कितना अद्भुत और अलौकिक होगा। यही कारण है कि राम मंदिर के निर्माण का कार्य धर्म नगरी में जोरों पर चल रहा है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। ऐसे में सभी की निगाहें राम लला की मूर्ति और पूरी अयोध्या नगरी पर टिकी है। श्रद्धालु जन भगवान राम मूर्ति स्वरूप के दर्शन करने को आतुर हैं। जहां झांकी किस तरीके से तैयार की जा रही है, चलिए आपको इसकी भी जानकारी सुना देते हैं। कार्यशाला में पूरी रामायण के सीन बन रहे। दशरथ जी ने यज्ञ किया था, उसमें अग्निदेव प्रकट भए थे। वो सब जो है लेकर के शुरू से यज्ञ से लेकर के और भगवान जो है गद्दी पर विराजमान भए थे, उस वक्त के पूरे रामायण के सीन बन रहे इस कार्यशाला में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद जो है। हजारों वर्ष का काम पूरा हुआ है इस वक्त, हजारों वर्ष का काम, जो कि त्रेता का काम इस कलयुग में हो रहा है। जो कि भगवान विराजमान थे उस त्रेता में, वो आज जो है 22 जनवरी को भगवान विराजमान हो रहे कलयुग में। झांकी को तैयार करने में लगे मुख्य मूर्तिकार रंजीत मंडल का कहना है कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन मूर्तियों को तैयार करने का काम मिला। मेरा सौभाग्य जो ये मूर्ति निर्माण करने का कार्य मुझे प्राप्त हुआ। कितनी मूर्तियां? अभी तो लगभग हमारा एक प्रसंग है, 100 प्रसंग का बातचीत चल रहा है, जिसमें से हमारे जो है 60 प्रसंग लगभग तैयारी में है। 30-40 प्रसंग है, 2-3 साल में हो जाएगा। क्या क्या दिखाई? इसमें पुत्राष्ट यज्ञ से अभी लंका जाने तक हनुमान जी का बांधा हुआ कमर में, वहाँ तक गया, जिसमें राम जी का जन्म से लेके एकदम आप सब गुरुकुल से लेके ये सीता जी का जन्म लेके और वनवास लेके एकदम हमने लंका तक जाने का प्रयास किया। तो प्रभु राम जी की कृपा है मेरे ऊपर, हो सकता है कि और माननीय अशोक सिंगल जी का आशीर्वाद है, डॉक्टर सुकुमार भट्टाचार्य जी जो हमें मार्गदर्शन दिया था आसाम में, और माता पिता के आशीर्वाद है, और माननीय चंपतराय जी के आशीर्वाद से जो है मैं यह कार्य कर रहा हूँ। आगे प्रभु राम जी की इच्छा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो मेरा खुशी व्यक्त नहीं कर सकता। तो देखा आपने, ऐसा बताया जा रहा है कि राम मंदिर में विराजमान होने वाली रामलला की मूर्ति दुनिया की सबसे अनोखी मूर्ति होगी। बता दें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में भगवान राम की झांकी बनाने का काम जारी है, जिसके माध्यम से राम भक्तों को भगवान राम और रामायण से जुड़ी कई कहानियों को दर्शाया जाएगा।